चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के आज दिन भर के सभी मुख्य समाचार ताजा। सीएम योगी द्वारा किए गए सभी बड़े ऐलानों को, साथ ही उनके द्वारा लिए गए उत्तर प्रदेश वासियों के लिए सभी बड़े फैसलों को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और हाँ, खबर को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में हिंदू गौरव दिवस, अमित शाह ने कहा सीएम पद छोड़ना बाबूजी का बलिदान। योगी ने कहा जिस कार्य के लिए कल्याण सिंह ने सत्ता छोड़ी वो राम मंदिर तैयार। जिया बताने के बीजेपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आज अलीगढ़ में दिग्गज जुटे हैं। कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि को गौरव दिवस की तरह मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ में स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं दिल्ली से पिछड़ों के लिए काम करने वाले बाबूजी स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूं। वो वक्त था जब राम भक्तों का सैलाब अयोध्या में उमड़ पड़ा। लोगों ने दबाव बनाया कि गोलियां चलाकर कार सेवकों को रोका जाना चाहिए। बाबूजी ने बड़ा निर्णय लिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री पद त्याग दूंगा, ये बड़ा बलिदान है। साथ उन्होंने कहा कि उनके अंदर गरीबों और पिछड़ों के लिए असीम संवेदना था। जिस दिन पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया, मैंने बाबूजी को फोन किया। उन्होंने जवाब दिया कि मेरा जीवन धन्य हो गया। तो आप भी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका, वकील की ड्रेस में आया युवक, कार्यकर्ताओं ने जमकर पीटा। अखिलेश बोले बीजेपी कार्यकर्ता होगा। जिया बताने की महू में स्याही कांड के बाद लखनऊ में जूता कांड हुआ है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को युवक ने जूता फेंक कर मारा। वह सपा के पिछड़ा वर्ग के महासम्मेलन में शामिल होने के लिए इंदिरा प्रतिष्ठान पहुंचे थे। बता दें कि कार से उतरकर वह अंदर जा रहे थे, तभी वकील की ड्रेस में आए युवक ने जूते से उन पर हमला किया। जूता स्वामी प्रसाद मौर्य को छूता हुआ गिरा है। याद दिला दें कि वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने उसे युवक को जानवरों की तरह पीटा, उसको पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पुलिस उस युवक को बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सपा कार्यकर्ता बार बार पुलिस से छुड़ाकर उसको पीटना शुरू कर देते। योगी अखिलेश के बाद लखनऊ में सुपरस्टार रजनीकांत ने राजा भैया से की मुलाकात। भेंट की बाबा विश्वनाथ की विभूति। जिया बताने कि लखनऊ में सुपरस्टार रजनीकांत ने आज राजा भैया से मुलाकात की। रजनीकांत सुबह राजा भैया के आवास पर पहुंचे, वहां दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। इसके बाद रजनीकांत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राजा भैया ने इस मुलाकात की तस्वीर अपने ट्विटर पर शेयर की है। साथ ही उन्होंने लिखा कि रामायण में थलाइवा का स्वागत करने का सौभाग्य मिला है। विदेश की सबसे बड़ी महानायक है, लेकिन केवल फिल्म जगत में ही नहीं, अध्यात्म और भक्ति के क्षेत्र में भी वे उन्नत अवस्था में। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ। सीएम योगी बोले बीमारू राज्य से सरप्लस स्टेट बनाई यूपी, यहाँ मेडिकल रिवाइज पार्क भी बन रहा। उन्हें बाबा विश्वनाथ की विभूति, दिनकर जी की रश्मि रथी और गोमुख का गंगा जल सादर भेंट किया है। वैसे आपके फेवरेट सुपर स्टार कौन है, कमेंट में जरूर बताएं। जिया बताने की विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर आज लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यूपी 6 साल पहले बीमारू राज्य था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। यूपी अब सरप्लस स्टेट बन गया है, यहाँ मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है, यूपी सुरक्षा की गारंटी देने वाला पहला राज्य बन गया। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों, उद्यमियों, बहनों और नागरिकों के सामने पहचान का संकट अब नहीं है, इसीलिए अलग अलग सेक्टर में जब सरकार ने काम करना शुरू किया तो इसके अलग ही परिणाम सामने आए। सीएम योगी ने कहा कि जब पहले गोलियां चलती थी, अब वहां प्रदेश सरकार एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने जा रही है। जहां आंदोलन होते थे, वहां सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस और बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना दिए हैं। वैसे आप सीएम योगी के इन सभी कामों से संतुष्ट हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। कांस्टेबल के 3000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, डाक विभाग में बम्पर भर्ती। जिया बताने की सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए हम फिर से लेटेस्ट जानकारी लेकर आए हैं। दरअसल राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा में पुलिस कांस्टेबल के 3578 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके तहत प्रदेश भर में कांस्टेबल सामान्य, कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड, कांस्टेबल डॉग स्क्वाड और कांस्टेबल पुलिस दूरसंचार के पदों को भरा जाएगा। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 27 अगस्त 2023 है। वहीं भारतीय डाक विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और अन्य डाक सर्किल में स्थित डाकघरों में ग्रामीण डाक सेवा के 30,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 23 अगस्त 2023 है।
उत्तर प्रदेश की आगरा पहुंचे गदर टू के जीते हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे। उत्कर्ष बोले, मैंने भी ब्लैक में ही टिकट लेकर फिल्म देखी। जी बता दें कि सनी देओल की गदर टू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाए हुए है। रिलीज के 10 दिन बाद भी फिल्म को लेकर सिनेमा हॉल में दर्शकों का उत्साह बना हुआ है। ऐसे में आगरा में फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा और फिल्म में सनी देओल के बेटे का रोल निभाने वाले उत्कर्ष शर्मा जीते अचानक सिनेमा हॉल में पहुंचे। जीते को अपने बीच में देखकर दर्शक खुश हो गए और भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो इसी के साथ आप भी कमेंट में जय भारत माता जरूर लिखें। उत्तर प्रदेश के बनाई में बाढ़ का कहर, 24 से अधिक गांव में भरा पानी, सड़कों पर चल रही नाव, लोगों के सामने खाने पीने का संकट। जी हां, उत्तर प्रदेश के बदायूं में गंगा के बढ़े हुए जलस्तर की वजह से कछला क्षेत्र के गांव में पानी भरने लगा है। सबसे ज्यादा खराब हालत पखिया नगला गांव की है। यहां के ग्रामीणों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, साथ ही गाँव की बिजली सप्लाई भी ठप है। ऐसे में ग्रामीणों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ती है। यही हाल उस हैत सहसवान क्षेत्र के गाँव का है। उत्तर प्रदेश में हाई स्पीड इंटरनेट से लैस होंगे सभी ग्राम सचिवालय, 50 मीटर परिधि में मिलेंगी फ्री वाईफाई की सुविधा। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश वासियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर से ऐसी घोषणा कर दी है जिसको सुनने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में संचालित ग्राम सचिवालयों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से लैस करने के निर्देश दिए हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय परिसर के 50 मीटर परिधि में आम जन को उपयोग के लिए वाईफाई की सुविधा भी मुहैया कराई जाए, हर गांव डिजिटल सुविधा युक्त हो, इस संबंध में आवश्यक कार्य योजना तैयार करें। सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग के कार्यक्रमों योजनाओं की समीक्षा की और ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की समृद्धि के लिए गाँव का सशक्तिकरण आवश्यक है। इस दिशा में विगत 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश में हुए नियोजन प्रयासों के अच्छे परिणाम भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश में सीमा हैदर ने परिवार संग मनाई नाग पंचमी, गाय शिव भगवान की आरती। जी हां, बता दें कि पाकिस्तान से भारत आए सीमा हैदर ने नाग पंचमी के मौके पर पूजा की। उसने अपने पति, बच्चों और सास ससुर के साथ शंकर भगवान की आरती उतारी। जय शिव ओमकारा आरती गाई, भगवान को भोग लगाया और माथा भी टेका। इसके बाद दीवार पर नाग देवता बनाकर गेहूं चने का भोग लगाया और दूध चढ़ाया। नाग पंचमी के मौके पर सीमा लाल साड़ी, हाथों में मेहंदी और माथे पर स्नेक स्टाइल की बिंदी लगाकर तैयार हुई है। आपको बता दें कि पूजा करने के बाद सीमा हैदर ने कहा, जय श्री राम, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे 5 पत्तों वाली बेलपत्र मिली। शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नाग पंचमी की बधाई। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के ग्राम करौंदा में एक ग्रामीणों ने लिया निर्णय। बोले, शराब विक्रेता व नशे में उत्पाद करने वालों का होगा 11,000 रुपए का अर्थदंड। जी हां, ललितपुर जिले के महारौनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करौंदा के श्री राम राजा मंदिर प्रांगण में शराब को लेकर ग्राम प्रधान जयेंद्र सिंह लोधी की अध्यक्षता में एक सामाजिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि गांव में कोई भी शराब बेचेगा या पीकर उत्पाद करेगा उसका समाज से बहिष्कार व अर्थदंड लगभग 11,000 रुपए लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी जूते से पीटे जाएंगे। स्वयं प्रसाद मौर्य पर शू अटैक पर महंत राजू दास बोले। जी हां, बता दें कि राजधानी लखनऊ में महासम्मेलन कार्यक्रम में सपा वरिष्ठ नेता स्वयं प्रसाद मौर्य पर जूता फेंके जाने की घटना पर अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की प्रतिक्रिया सामने आई है। महंत राजू दास ने मौर्य को जूता फेंकने वाले युवक को धन्यवाद दिया। महंत ने अपने बयान में कहा कि सपा के नेता रोज रोज सनातन धर्म को गाली देने का काम करते हैं। अभी तो स्वयं प्रसाद पर ही जूता चला है, आने वाले दिनों में अखिलेश यादव भी पीटे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षा में धांधली रोकने के लिए होंगे पुख्ता इंतजाम, एआई से दबोचेंगे मुन्ना भाई। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस में होने वाली सबसे बड़ी सिपाही सीधी भर्ती परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। बोर्ड ने परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था के चयन में तकनीक संबंधित बिंदु को भी शामिल किया है। दरअसल भर्ती परीक्षाओं में लगने वाली सेंध पर अंकुश लगाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर मुन्ना भाइयों को दबोचने में खासी मदद मिल रही है। इसी वजह से सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक के साथ फेस रिकग्निशन समेत तमाम अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश के शहर में बन रहा है पहला ग्लास ब्रिज, जाने कब तक बनकर हो जाएगा तैयार। जी हां, बताने को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने धार्मिक नगरी चित्रकूट को योगी सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। रानीपुर वन्य जीव विहार को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं इको टूरिज्म क्षेत्र में योगी सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए एक अनोखी पुल का भी निर्माण किया जा रहा है, जो कि मणिकपुर के पास मारकुंडी वन रेंज के टिकरिया गाँव के करीब तुलसी जलप्रपात में बनाया जा रहा है।
रहा है। यह पुल यूपी का पहला ग्लास ब्रिज होगा, इससे टाइगर रिजर्व को भी बढ़ावा मिलेगा। इसको लेकर स्थानीय और पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या आप इस बात से उत्साहित और योगी सरकार के इस फैसले से खुश हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं। सपा सरकार में बिगड़ी मदरसों की दशा, योगी सरकार से अल्पसंख्यकों को उम्मीद, मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा। जी, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों का सर्वे कराकर जांच कराई है। इन जांच में मदरसों के प्रबंधकों ने पूरा सहयोग किया है। अब प्रदेश सरकार मदरसों के संबंध में जल्द फैसला ले। सपा के अखिलेश सरकार ने मदरसों की दशा बिगाड़ने का काम किया है, अब योगी सरकार से बेहतरी की उम्मीद है। मौलाना ने कहा कि मदरसों की जांच पड़ताल सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। प्रदेश भर में हुए मदरसों के सर्वे रिपोर्ट को शासन को भेजी जा चुकी है। अब मदरसों के संबंध में सरकार जल्द फैसला ले ले। अगर इस सिलसिले में कुछ फर्जी मदरसे पाए गए हैं तो उन्हें बंद किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 72,825 शिक्षक भर्ती, डाटा न देने वाले प्राचार्यों बीएसए के वेतन से होगी वसूली। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में 72,825 शिक्षक भर्ती निरस्त होने के बाद शुल्क वापसी के लिए अभ्यर्थियों ने जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में आवेदन किया था। बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने अभ्यर्थियों की जानकारी बीएसए और डायरेक्ट प्राचार्य से मांगी थी। वहीं आज सचिव ने कहा है कि 23 अगस्त तक डाटा न भेजने वाले बीएसए और डायरेक्ट प्राचार्यों को चेतावनी पत्र जारी कर रहा हूं। कहा है कि डाटा न भेजने पर शुल्क वापसी उनके वेतन से की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 25 लाख से अधिक के ठेके में आरक्षण खत्म, सपा राज के फैसले पर बिजली निगम में 11 साल बाद जारी हुआ आदेश। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 25 लाख से अधिक ठेकों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने का विभागीय आदेश 11 साल बाद अब जारी किया है। बसपा सरकार में विभागीय ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी, जिस प्रदेश में 2012 में बनी सपा सरकार ने शासन आदेश के जरिए खत्म कर दिया था। पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक, कार्मिक और प्रशासन ने इसे खत्म करने का विभागीय आदेश 11 साल बाद आज दिया है। चांद के जिस हिस्से को दुनिया ने कभी नहीं देखा, चंद्रयान 3 ने कराया दीदार, आप भी देख ले ऊपर फोटो। जी हां, तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की अंधेरी और अनजान सतह पर उतरने के लिए तैयार है। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही देश के चांद की अंधेरी को चीरने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से भेजी गई चांद की तस्वीरें ट्वीट की है। ये तस्वीरें लैंडर के कैमरे से भेजी गई है। यह कैमरा चांद पर मौजूद गड्ढे और बड़े पत्थरों से आगाह करते हुए लैंडर को सुरक्षित उतरने में मदद करेगा। इसरो ने चंद्रयान द्वारा चांद के पिछले हिस्सों की तस्वीर जारी की है, जिसे दुनिया में आज तक नहीं देखा गया है। उत्तर प्रदेश में सीटेट की सितंबर में आंसर की और अंतिम सप्ताह में आएगा परिणाम। जी अब बता दें कि सीटेट की आंसर की सितंबर के पहले सप्ताह में जारी होगी, वही रिजल्ट सितंबर के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी के साथ सभी अभ्यर्थियों को उनका स्कोर भेजा जाएगा। इस स्कोर का इस्तेमाल अभ्यर्थी CBSE, ICSE, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आदि जगहों पर शिक्षक आवेदन में कर सकेंगे, क्योंकि अब इन जगहों पर शिक्षक बनने के लिए सीटेट जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अब और भी तेज दौड़ेगा बुलडोजर, अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाना हुआ आसान। जी हां, बता दें कि प्रदेश में अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने के लिए केवल एक मुकदमा होना पर्याप्त होगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद किसी भी अपराधी के खिलाफ यदि केवल एक मुकदमा भी दर्ज है तो भी उस पर उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। खबरों में इतना ही, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। रोज के ताजा अपडेट के लिए यूपी खबर जानकारी को अभी सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।